यूजुअली हमने देखा है कि बहुत सारी ब्राइड्स है ना वो रोती बहुत है, बहुत रोती है, उनकी आंखों में आंसू मतलब अक्सर मैं बारात की ब्राइड्स को देखती हूँ मुसलसल रो रही होती है, और उनके लिए क्या करना चाहिए? अक्सर होता है मेरे भी सलून पे, तो फिर सबसे पहले तो मैं उनको मना ही कर देता हूँ कि अभी अभी रोलो मेकअप से पहले जितना भी रोलो और खुशी खुशी जाए, बेसिकली एक जर्नी उनकी स्टार्ट हो रही सारी चीजें, और दूसरा कि फिर भी ऑब्वियसली मोमेंट ऐसा होता है बड़ा संस्कार होता है, ये चीज तो हो जाती है। लेकिन आपको सच बताऊं जैसे फाउंडेशन वगैरह ना नहीं खराब होता बिल्कुल, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो चलता है। आई मेकअप भी अगर आप देखें कि ग्लू बहुत अच्छा है तो लैशेज नहीं निकलती, और वाटर लाइन पर जैसे मेरा जेल लाइनर, तो ये वो चीजें हैं जो खराब होती हैं, ठीक है, जो वैसे सही रहती है। लेकिन अगर कोई बहुत एक्सट्रीम कर रहा है तो बस उसने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट करना है, अदरवाइज सेट रहेगा। मतलब इतना शादी फिर होती है, मतलब भाई की शादी पे क्योंकि जो विदाई वादा बहुत मेरे सामने तो विदाई हो रही हो तो मेरा दिल इतना छोटा, मैं तो बहुत रोती हूं। आप अपनी शादी पे रोई थी? नहीं नहीं रोई थी शायद, इसका हस्बैंड रो रहा था मनीता के लिए नहीं मैं नहीं रोई। अच्छा होती है कुछ ब्राइड्स, अच्छा मैंने तो ना क्या कहते हैं जो मेरा होती है बाज रोती है, बाज बड़ी कॉन्फिडेंस वाली होती है। हाँ एक रात पहले थोड़ा सा रोली थी क्योंकि मैं वैसे भी अपने घर से दूर ही रहती थी, कराची रहती थी, तो मैं ना बहुत कम रोई, साथ में मुझे था कि मेरा हमारे मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, तो बड़ा मेरा कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो मैं इतना रोई नहीं, तो मेरे अब्बा वगैरह भी थोड़ा सा रोए चुप करके, तो मेरे मैंने कहा ये क्या सीन था, ये सब नीचे बाद में नॉर्मल क्यों घूम रहे, थोड़ी देर के लिए कौन रोता है, मैंने कहा बस हो गया। मेकअप का भी हमें थोड़ा सेट रखना होता है भाई, लैशेज निकल आते हैं उसका क्या हाल है ये मुझे बताएं। लैशेज जो ब्लू अच्छी होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं मेरा कॉस्मेटिक्स कैसे शुरू हुआ, लैशेज से और आईलैशेज एडहेसिव से। ये वो बहुत बड़ा मसला था कि आईलैशेज जो है मुझे एक मिलती थी ऑटोमेटिक की होती थी और वो आए दिन शॉर्ट हो जाती थी, मैं बराबर से 11 12 साल पहले तो हर कोई वही यूज कर रहा था। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये लैशेज और 3D लैशेज ये मैंने इंट्रोड्यूस की, क्योंकि मेरे पास होती थी ब्राइट 50 60 ब्राइट्स होती थी। अब लैशेज ही अगर आपके पास अच्छी है नहीं और फिर आपका आपका मेकअप नहीं नजर आता अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने लैशेज और आईलैशेज एडहेसिव वो इतनी कोई बेस्ट है। उसके बाद जो है फिर मेरे ख्याल में जितने भी जो लोग कॉस्मेटिक से काम करते हैं उन सब ने वही मेरी लैशेज देख कर सारी चीज़ों से तरह की बनवाना शुरू कर दिया आईलैशेज एडहेसिव। अब मेरे ख्याल में अभी काफ़ी हद तक ये मसला सॉल्व हो चुका है। अच्छा फिर भी अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या टियर हो रहा है मतलब आपको आंसू आ रहे हैं उस पर होता है कि आपकी लैशेज, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से उसका कोट करके और उसको पहले ड्राई करके उसको कुछ सेकंड्स के लिए उसके बाद लगा लें तो बहुत अच्छी अटैच रहती है। अच्छा मैं जरा लड़कियों स्पीड 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 क्योंकि टाइम कम है, तो आप ये देखें कि दोबारा आप देख सकते हैं पास आके दोबारा कि उनके बाल कैसे बने हुए हैं, ये भी देखें गौर से। जरा गौर से आके देख सकते हैं कि जिनके बाल कैसे बने हुए हैं, कुछ मसला है तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग। हाँ प्लीज यहाँ तक दुपट्टा आ जाएगा और ये चोटी बनी हुई है खजूरी चोटी है ना फिशटेल। अच्छा इतनी अच्छी मुझे इतनी अच्छी ब्राइड है ना मैं देख रही हूँ, उन्होंने हाथ में आई शेडो भी पकड़े हुए हैं, साथ में फुल कोऑपरेट कर रही है ये मॉडल्स हैं हमारी। तुम्हारा तो अलीज़े मेकअप भी नहीं हुआ हुआ। लिप प्रिंट बना लो जल्दी हो जाएगा ना, लिप प्रिंट बनाओ उसके बाद कर लेना ठीक है, उससे टाइम लग जाएगा, सेंटर पार्टिंग करके प्रिंट बना लो। एक दफा देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो साथ में देख, हाँ साथ में देख बिल्कुल देखें आप करीब आके देख, छोटी सी वो बनी हुई फ्रेंच चोटी सामने, हाँ आप देख सकते हैं कैसे वो करना है, अपना टाइम जो है वो उसको सही मैनेज भी आप लोग। अच्छा मजे की बात है कि जितनी भी यहाँ पे ब्राइड्स हैं मतिया उन सबके अच्छे घने बाल हैं, हाँ तो ये एक अच्छी बात होगी कि कोई एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो सबके ही लंबे बाल हैं ना, और ये इनके लिए हाँ ये वैसे एक्सटेंशन वाली बात आपने अच्छी की है, ये वाली बात है कि बाकी बनाने में जो है ना वो इनको वो प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन बाकी जो है ना वो ओके। अच्छा काशिफ जब हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए आ रहे होते हैं तो जो मॉडल्स की चॉइस है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खामी ऐसी होती है जो आपकी मॉडल्स कवर कर लेती हैं इफ दे वेयर इट विद कंफर्ट। समझा नहीं मैं मतलब मॉडल्स का। देखिए जब हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जा रहे होते हैं हम देख रहे होते हैं ब्यूटिशियन जब कहीं जाती भी हैं तो वो जो अपनी मॉडल लेके जाती हैं उसका चुनाव कितना अहम होता है, क्योंकि कुछ माशाल्लाह से उनकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी होती है, फीचर्स भी इतने अच्छे होते हैं कि फ्लॉज को भी कवर कर लेते हैं। एग्जैक्टली और मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत कॉम्पिटिशन किए हैं जज जिसमें बना हूं मैं, उसमें ऐसा होता था
कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे पता है कि किस कंटेस्टेंट के हाथ में फिनिशिंग एक फिनेस लुक है, लेकिन कुछ मॉडल है वो आपको पता है उसके फीचर्स वो बहुत खूबसूरत है, वो उसका फोटोजेनिक फेस है, उसका स्क्रीन के लिहाज से बड़ा अच्छा है. तो होता ये था कि जब हम उसके लिए जज करने के लिए ऑडियंस को अगर हम फोन कॉल्स लेते थे ना तो वो उस पर नाम रख दिया करते थे, उसका नाम ले लिया करते थे जिसका मेकअप शायद अच्छा नहीं था लेकिन उसकी मॉडल अच्छी थी, तो वो बहुत मैटर करता है. तो फिर मैं जब वो शोज इस तरह करता था फिर मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा इस तरह से फिर मैं जज नहीं कर सकूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीजें देख रहे हैं जो मतलब क्योंकि क्लोज तो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा वो फीचर्स के हिसाब से उस हिसाब से वो जज कर रहे हैं, वो चीजें हम देख रहे हैं बिल्कुल. तो मॉडल जो है वो डेफिनेटली बहुत मैटर करती है. इवन कि आप जितने भी इंटरनेशनल अगर आप मेकअप आर्टिस्ट को देख लें, बड़े से बड़े को देखें, जब उनकी कोई कॉम्पिटिशन में अगर जज करेंगे, अगर अच्छे ब्यूटिशियन होंगे या इवन की ब्यूटिशियन होंगे जो मास्टर क्लासेस देंगे तो वो बड़ी परफेक्ट मॉडल्स रखते हैं. वो क्यों रखते हैं? क्योंकि जो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वो डेमो दे रहे हैं तो लोगों को नजर आए. अदरवाइज देखें वो उस तरह की चीजों को क्यों नहीं लेते, वो नहीं लेते. कुछ ले लेंगे कि जैसे मैंने किया है कुछ टास्क थे कि किसी का जो है एक बर्स का जो है निशान तो वो कवर करना, वो एक एक्सेप्शनल चीज है. लेकिन प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर कुछ लोग मॉडल अगर परफेक्ट ले ली तो बहुत बाकी मैटर. अच्छा मैं आजकल देख रही हूं कि लोग जो है अगर बर्स वगैरह का निशान हो तो लोग कहते हैं इसको थोड़ा सा पता चले कि हमें है. मुझे इतना अच्छा लगता है जब लोग अपने ओन करते हैं स्किन की प्रॉब्लम कोई बात नहीं, इसको पूरा आप कवर मत करें अगर बर्स है चेहरे पे तो ठीक है आप एक चरण बात अगर वो एज इतने कॉन्फिडेंट है तो ये मैंने स्पेशली देखा. और दूसरा जो आप मॉडल्स की बात भी कर रहे थे तो ग्लो मैं नेटफ्लिक्स को बड़ा क्योंकि उसमें फॉलो करती हूँ तो वो एंड में जो टास्क देते हैं उसमें होता है कि दो ट्विंस होते हैं और उन ट्विंस को आपने मेकअप करना होता है. तो मतलब कोई एक चीज कहेंगे कि लाइनर लगाना है और दोनों का टेक्निक देखते हैं कि अच्छा क्योंकि अब एक जैसे फीचर्स हैं. अच्छा ओके ऑलमोस्ट जो है ना ओके सदफ भाई जो फास्ट है वो फास्ट कर रहे हैं. जिन्होंने जो जिन्होंने कंपटीशन दिया हुआ है कि भाई हमने जीतना है तो ये चीज ये जहन में रख के आप लोग जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं और मेकअप कर रहे हैं कि हमने जीतना है भाई. ऑनियर आ रहे हैं आप लोग तो जल्दी फास्ट अच्छे से करें, मूड अप अच्छे करें. आप लोग यहाँ पे जीतने के लिए हैं जब आप ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में आके सब चीजें ऑफिस की घर छोड़ कर आते हैं ना. एग्जैक्टली ऐसे हम लोग भी यहाँ पर आए हैं तो हम सब चीजें घर पे छोड़ के आए हैं. अच्छा काशिफ अपना पूरा सैलून छोड़ के आए हैं बताओ जरा. हमारी ये ब्यूटिशियन जो हैं ये अपनी मॉडल्स के बाल बना रही हैं. मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद. आफ्टर द ब्रेक हमारी पांचों ब्यूटिशियंस ने मेकअप जो है वो कर लिए हैं. ब्राइड्स अपनी जितनी वो तैयार कर सकती थी उन्होंने की हैं. ब्रेक में मैं देख रही थी कि जब टाइम ओवर हो गया हुआ था तो बहुत सारी फिर भी गो के मैंने टाइम दिया था एक्स्ट्रा कि 5 मिनट में उनको टोटल दिए थे लेकिन उसके बावजूद जो जो ब्राइड्स को टचअप या टचअप करता रहा जनाब वो काफी रह गया था. मेकअप काफी रह गया था उसकी जो है ना नेगेटिव मार्किंग होगी कि आपको नहीं करना चाहिए. हाँ ठीक है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ये कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन में एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो काम करना है. उस टाइम तक हमने वैसे भी जज कर लिया था. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारी जो पहली ब्यूटिशियन